Hello students, welcome to Elite Gurukul. Myself Chandan sir and I will take a lecture on science. So let's start. Now students, what is first topic? So very first, before starting science, I will ask some question to you. So some question for you is what? The very first question is, why every object come back to the earth when we throw it out? Okay, so question समझ में आया कि हर एक चीज नीचे क्यों आती है अगर हमने उसको ऊपर फेंका दो? ये आपके लिए फर्स्ट टास्क। सेकंड टास्क, व्हाई मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ? क्वेश्चन कि हमारा जो ये मून है वो अर्थ के अराउंड क्यों रिवॉल्व करता है? व्हाट इज द रीजन एंड व्हाट इज द कॉज? ओके, ये सेकंड क्वेश्चन। एंड थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन? तो ये हमारा अर्थ और ये हमारा सन, तो हमारा अर्थ भी सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका रीजन भी आपको बताना है। तो आपने सोच लिया क्या रीजन होगा इन तीनों क्वेश्चंस का? ओके, तो चलो मैं आंसर दे देता हूं। फर्स्ट का आंसर है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। हर एक ऑब्जेक्ट जो ऊपर फेंका जाता है वो नीचे इस वजह से आता है, उसका रीजन क्या है? ग्रेविटी। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, हमारा मून क्यों रिवॉल्व करता है अर्थ अराउंड? उसका रीजन भी है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। क्लियर? एंड तो आप सोच सकते हो थर्ड का आंसर क्या होगा। वेरी गुड, थर्ड का आंसर भी है ग्रेविटी। हमारा अर्थ सन के अराउंड बिकॉज ऑफ ग्रेविटी की वजह से रिवॉल्व करता है। ओके, तो इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर है ग्रेविटी। अब ग्रेविटी एक बहुत ही ना बेसिक कंसेप्ट है और बहुत ही ब्यूटीफुल फिनोमिना है। हमारा यूनिवर्स ग्रेविटी की वजह से ही एग्जिस्टेंस में है। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज ग्रेविटी। ओके, सो ग्रेविटी क्या है अभी हम इसे समझने वाले हैं। तो यहां पर डेफिनेशन है, ग्रेविटी इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू मासेस, एनी टू बॉडीज एंड टू पार्टिकल्स। ग्रेविटी क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ओके, किसमें? किसी भी दो मासेस में या दो बॉडीज में या दो पार्टिकल्स में। ओके, एंड जैसे आप देख सकते हो मास m1 एंड m2, तो इन दोनों में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, जो फोर्स होगा इन दोनों को नजदीक खींचेगा, टूवर्ड्स खींचेगा, वह फोर्स क्या है? ग्रेविटी है। ओके, नाउ ग्रेविटी इज नॉट जस्ट द अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ। हमें लगता है ग्रेविटी नाम से कि ग्रेविटी सिर्फ अर्थ पर ही है, नहीं, ये रॉन्ग है। ग्रेविटी पूरे यूनिवर्स में है। ओके, इट इज एन अट्रैक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन ऑल ऑब्जेक्ट्स एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में हर जगह, हर एक पार्टिकल, हर एक स्टार, हर एक प्लैनेट पर अप्लाई होता है। ओके, सो ग्रेविटी वो फिनोमिना। नाउ अब ग्रेविटी, ग्रेविटी इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट विद मास। अब जिसके पास मास है, देखो ये अर्थ और ये कोई ऑब्जेक्ट है। ओके, ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ये ऑब्जेक्ट और अर्थ में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इस वजह से हम अर्थ पे स्टैंड कर पाते हैं या सर्वाइव कर पाते हैं। ओके, नाउ चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज का क्वेश्चन है आपके पास हिस्ट्री ऑफ ग्रेविटेशन। अब ग्रेविटेशन का डेफिनेशन समझ लिया है हमने, तो ग्रेविटी की हिस्ट्री क्या है या ग्रेविटेशन का हिस्ट्री क्या है, तो मैं काफी डिटेल में जाने वाला हूं। सो बी रेडी। आर्यभट्ट, द ग्रेट इंडियन एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन, आपने इनका नाम सुना होगा, आर्यभट्ट। अब आर्यभट्ट, द इंडियन एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन आर्यभट्ट, 476 से 5 AD तक स्टडीड द मोशन ऑफ द मून और अदर प्लैनेट इन द 5th century AD। 5th century में इन्होंने क्या स्टडी कर लिया था? मोशन ऑफ मून और अदर प्लैनेट के मोशन को स्टडी कर लिया था आर्यभट्ट ने। ओके, अब इन हिज बुक आर्यभट्ट, इनके एक बुक है आर्यभट्ट की, आर्यभट्ट, He conclude that earth revolve around its own axis. Earth अपनी own axis पे घूमती है, इन्होंने पहले ही कंक्लूड कर दिया था 5th century। And it moves in a circular orbit around the earth. और इन्होंने बहुत पहले ही कह दिया था कि हमारा जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। ओके, जो आज हमारा मॉडर्न साइंस कहता है वो 5th century में आर्यभट्ट कह चुके थे। Also, the moon revolved in a circular orbit around the earth. यानी ये भी बता दिया था कि मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। क्लियर? तो दिस इज अ ग्रेट
एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन, हमें प्राउड फील होता है कि हम इंडियन हैं। ओके नाउ नेक्स्ट पेज, ऑलमोस्ट 1000 ईयर आफ्टर द आर्यभट्टा, आर्यभट्टा के हजारों साल बाद टाइको ब्राहे एंड जोहानेस केपलर, ये दो साइंटिस्ट है, स्टडी द प्लैनेटरी मोशन थ्रू अ केयरफुल ऑब्जर्वेशन। ये दो साइंटिस्ट ने क्या किया था, केयरफुल स्टडी किया था प्लैनेटरी मोशन को। ये हमारे क्या कौन है, टाइको ब्राहे और ये केपलर। अब मैं इनके बारे में कुछ बातें बता देता हूँ। टाइको ब्राहे ये काफी स्टडी कर रहे थे उस समय, तो उस समय टाइको ब्राहे के साथ ये हेल्पर थे, कौन, केपलर। तो केपलर इनकी हेल्प करते थे, या इनके असिस्टेंट हो या इनके साथ में काम करने वाले थे, ठीक है। तो ये दोनों साइंटिस्ट मिलकर अपना काम करते थे या स्टडीज करते थे इस पर, प्लैनेटरी मोशंस पर, ठीक है ना। केपलर ने क्या किया था, अब जब टाइको ब्राहे थे तब उनके साथ काम किया केपलर ने, जब टाइको ब्राहे की मृत्यु हो गई या टाइको ब्राहे चले गए, तो उनके बाद केपलर ने एनालाइज किया ह्यूज डेटा मिटिक्यूसली रिकॉर्डेड बाय टाइको ब्राहे। ओके उनके डेटा को समझा केपलर ने एंड स्टेबलाइज थ्री लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, और थ्री बेसिक लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन को डिस्क्राइब किया। तो यहां पर हम नेक्स्ट पेज पर हम देखेंगे कि केपलर ने कौन से लॉस दिए, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं, केपलर हैड गिवन थ्री लॉस डिस्क्राइबिंग प्लैनेटरी मोशन, कितने लॉ दिए, तीन लॉ। ओके एंड हाउ एवर द रीजन वाई प्लैनेट्स मूव इन अ वे डिस्क्राइब बाय केपलर लॉस वॉज नॉट नोन। केपलर ने जो तीन प्लैनेटरी मोशन के लॉ दिए थे वो खुद केपलर को नहीं पता थे, या उनके रीजन नहीं पता थे। ओके रीजन केपलर नहीं जानते थे। ओके नाउ न्यूटन विथ हिज थ्योरी ऑफ ग्रेविटी मैथमेटिकली डिराइव द केपलर लॉ। उसके बाद न्यूटन आए जिन्होंने मैथमेटिकली प्रूफ दिया या रीजन दिया इसका, ग्रेविटी का, ओके और केपलर के लॉ का। तो ये है फोटो हमारे सर आइजैक न्यूटन, जो कि साइंस में बहुत ज्यादा फेमस है, और बहुत सारे लॉज हैं इनके, केमिस्ट्री में भी है, फिजिक्स में भी है, और बायोलॉजी में भी इनके कुछ वर्क है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब तक हमने क्या समझ लिया, हमने आर्यभट्टा के बारे में जाना, हमने टाइको ब्राहे और केपलर के बारे में समझा। अब उनके बाद जो हमारी हिस्ट्री आगे चली वो सर आइजैक न्यूटन तक, ठीक है। बहुत लोग का कहना है कि ग्रेविटी सर आइजैक न्यूटन ने ही सबसे पहले खोजी, बट नहीं, मैंने आपको इतिहास बता दिया है, सबसे पहले आर्यभट्टा, उसके बाद टाइको ब्राहे और केपलर ने भी काम किया था, और फाइनली मैथमेटिकली जो डेरिवेशन था वो सर आइजैक न्यूटन ने दिया, मतलब रीजन इन्होंने दिया। ओके अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नाउ केपलर की जो प्लैनेटरी लॉ थे तीन बेसिक, उनको हम समझ लेते हैं और पढ़ लेते हैं। अब केपलर लॉ, सो केपलर के थ्री लॉज में से फर्स्ट लॉ है केपलर फर्स्ट लॉ, द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज एन इलिप्स विद सन एट वन ऑफ द फोकाई। ओके नाउ ये स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है केपलर के फर्स्ट लॉ का, तो इसे आपको लर्न करना है। एक बार वापस रीड करता हूं, द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज एन इलिप्स विद सन एट वन ऑफ द फोकाई। अब ये इलिप्स क्या होता है, ओके मैं समझा देता हूं। यहां पर ये जो शेप दिख रहा है आपको, ओवल शेप, इस ओवल शेप को कहते हैं इलिप्स। ओके ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट, अब प्लैनेट क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, आप देख रहे हो, हाँ कि ना, इस ऑर्बिट पे, यस। तो ये प्लैनेट की ऑर्बिट है। अब सन किसी भी एक फोकस पर सिचुएट होगा, ये एक फोकस है, ये दूसरा फोकस है, तो इलिप्स के दो फोकस होते हैं। ओके तो सन किसी भी एक जगह पर होगा, ओके या इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर, फिलहाल हमारे केस में हमने इस पॉइंट पर सन को रखा, तो ये सन के अराउंड हमारा प्लैनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, सर्कुलर में नहीं, इलिप्टिकल में, क्लियर। सर्कल मतलब एकदम सर्कल होगा, ये सर्कल नहीं है, ये क्या है, इलिप्स का शेप है, क्लियर। तो आप याद कर सकते हो ये आपका केपलर का फर्स्ट लॉ होगा, अंडरस्टूड। नाउ केपलर का सेकेंड लॉ देखते हैं। केपलर का सेकेंड लॉ है द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जो भी लाइन ज्वाइन करेगी प्लैनेट और सन को, वो लाइन स्विच करेगी इक्वल एरिया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ओके अब यहां पर स्टेटमेंट देखने के बाद मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूं। देखो ये रहा हमारा इलिप्टिकल ऑर्बिट, देख रहे हो आप। ओके अब लेट कंसिडर मेरा प्लैनेट P1 पे था, P1
P1 से मूव करते करते सम टाइम टेक लेकर मेरा प्लैनेट P2 पोजीशन पे पहुंचा और जितना भी एरिया है एरिया A1 कवर हुआ। ओके द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड सन, तो ये रही लाइन ज्वाइनिंग, प्लैनेट और सन को ज्वाइन करने वाली लाइन। अब लाइन क्या करती, स्वीप आउट करती, इतना एरिया कवर करती है। ओके यस आर नो, स्वीप्स आउट इक्वल एरिया। अब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अब देख सकते हो प्लैनेट P1 से P2 पर आया। ओके उसके बाद हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो प्लैनेट P3 से P4 प्लेस पर मूव करता है, तो ये लाइन ज्वाइनिंग इतना एरिया कवर करती है, ठीक है एरिया A2। अब मैं कहना चाहता हूं इतना एरिया कवर करने के लिए जो टाइम लगा है वो सेम टाइम इतना एरिया कवर करने के लिए भी लगेगा, मतलब अगर यहां का टाइमिंग और यहां का टाइमिंग सेम है तो यहां का एरिया सेम होगा। ओके मतलब ये व्हाट एरिया अपॉन टाइम, इसका जो रेशो होगा और इसका एरिया अपॉन टाइम का जो रेशो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्लियर, ये काफी इंपॉर्टेंट है तो इसको आप याद रखो। ओके स्टेटमेंट को एज इट इज आपको लर्न करना है। नाउ थर्ड लॉ को समझ लेते हैं। थर्ड लॉ क्या है, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। ओके अब द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड, पीरियड क्या होता है, अगर मेरा प्लैनेट पी है और वो प्लैनेट पूरा एक राउंड कंप्लीट करता है इस इलिप्स का, ओके स्टूडेंट्स पूरा राउंड, तो ये पूरा राउंड कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है वो टाइम कहलाता है पीरियड। ओके सो पीरियड का स्क्वायर करना है ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मेन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। अब प्लैनेट का सन से जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आप देख रहे हो, ओके ये सभी डिस्टेंस का अगर एवरेज लोगे या मीन लोगे और उसका आपने क्यूब किया तो उसकी क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर, अब इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देख लो आप, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ओके स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड देख सकते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन ये है और क्यूब ऑफ कहा, यहाँ पर क्यूब ऑफ मेन डिस्टेंस प्लैनेट फ्रॉम द सन, ये रहा आर। ओके ये है आपका आर, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन। क्लियर, तो ये हमारे तीन लॉ थे केपलर्स के, आपको एकदम इजीली समझा दिया है, बहुत इजी है और मजेदार भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट टाइम हम और टॉपिक को स्टडी करेंगे, फिलहाल के लिए आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।